सिलेक्शन माइंड एकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, आपने अवनी चतुर्वेदी के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो सवाल आता है कि युद्ध में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन थी? साथियों, 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई कारगिल की लड़ाई पर बनी आपने कई मूवियां देखी होंगी, LOC कारगिल, लक्ष्य। आपने कई हीरो के बारे में भी सुना होगा। आज हम एक ऐसे ही हीरो के बारे में बात करेंगे। दरअसल ये कोई हीरो नहीं, ये एक हीरोइन है, गुंजन सक्सेना, द कारगिल गर्ल। भारत की पहली महिला वायुसेना अधिकारी जो किसी भी युद्ध में शामिल हुई थी। साथियों, गुंजन द कारगिल गर्ल का जन्म 1975 में लखनऊ में हुआ था। बचपन से ही इनका सपना पायलट बनने का था। इनके पिता और भाई दोनों ही आर्मी ऑफिसर थे। पिता का नाम अनूप सक्सेना, जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल थे, और भाई अंशुमान सक्सेना। इनका ग्रेजुएशन हंसराज कॉलेज दिल्ली से हुआ था। अगर हम गुंजन के कारगिल गर्ल बनने की बात करें तो यह शुरू होता है एक SSB एग्जाम से, जिसे पास कर गुंजन इंडियन एयरफोर्स में दाखिल हो गई। इनकी पहली पोस्टिंग उधमपुर थी, जो कि जम्मू कश्मीर में है। 1999 में युद्ध के समय इनसे पूछा गया, क्या ये डेंजर जोन के बाहर जाना पसंद करेंगी? तो इन्होंने साफ मना कर दिया और इस तरह ऑपरेशन विजय का हिस्सा बन गई। साथियों, अगर गुंजन के कारगिल युद्ध में भूमिका की बात करें तो इन्हें निगरानी कार्य, रसद खाना, चिकित्सीय सहायता पहुंचाना, राहत कार्य, बचाव कार्य, मतलब सर्विलेंस मिशन, सप्लाई मिशन, रिलीफ मिशन, रेस्क्यू मिशन आदि मिशन दिए गए। कुल मिलाकर 80 मिशन इन्होंने पूरे किए और 900 लोगों की जान बचाई। तो साथियों, इस तरह हमें मिली गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल। आगे मिलेंगे हम एक और सुपर हीरो के साथ।